करते हैं। दास्तान के बारे में है, उर्दू की पांच दास्तान के बारे में बताइए, क्योंकि आपको पढ़ना है पेपर में दास्तान। ठीक है, उर्दू जी की पांच दास्तानों के बारे नाम बताइए। तो हम पहले सबसे पहले लिखे हैं सबरस, ये उर्दू की पहली दास्तान है। ठीक है, ये 1632 से सबरस। 34, 32 से 34 इसका आता है साल। ठीक है, 32 से 34 1632 से 34 ईस्वी इसका साल आता। सर, ये क्या लिखा हुआ है, 1632 से 34 ईस्वी, उसके बाद? 32 से 34 के बीच में लिखी गई हिजरी में है, 32 मान लो हाँ, आमतौर और उसके नीचे, उसके नीचे क्या, ये नीचे में क्या लिखा हुआ है? नौ 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 सर। तर्ज़े मुरस्सा, हम बता रहे हैं ना अभी, चल अच्छा, ये दूसरी किताब है, नौ तर्ज़े मुरस्सा। आराइशे महफिल। इसके लिखने वाले का नाम भी रख लेना चाहिए आप लोगों को। उर्दू की ये पहले दास्तान वो क्या है मुल्ला वजही। आप दास्तान पढ़ेंगे, दास्तान के बारे में, दास्तान तो पहले यही हो। ये खड़खड़ खड़ा कहाँ हो रहा है, आवाज बंद करो, जिसको बात नहीं करनी आवाज बंद करो। जब हम आवाज बंद कर दे तो फिर खुद से ऑन नहीं करो, जब बोलना हो तब ऑन करो। नौ तर्ज़े मुरस्सा, ये आपका जी, बोलना हो तो आवाज ऑन कर लेना हो, फिर उसके बाद जब जरूरत खत्म हो जाए तो ऑफ कर लेना। और आयशे महफिल किसकी है? ठीक है, बोलो। बाहो बाहा, जी सर। ओके, बाहो बाहर का लिखने का साल भी है और इसका साल भी, हिजरी का साल भी। ठीक, जाइए। हो गया, इसको कर लिए, पढ़ लिए। ठीक हुआ जी, अनिकेत की कहानी 1800 थी।
सादा काम दिखा दे रहा है नाम, ताकि आप लोगों को याद है जो अहम अहम दास्तानें हैं उन लोगों के नाम। ठीक हो गया, ये भी चार दरवेश का किस्सा है और ये भी बाघबार भी चार दरवेश का किस्सा है। कुछ लिख के लाने भी बोले थे तुम लोगों को हम। हो गया, हाँ सर हो गया। आराइशे महफिल क्या है? हातिम ताई का नाम सुने हैं, इसी में से है हातिम ताई का किस्सा। और तोता कहानी, ये 1802 में लिखी गई। ठीक है, दूरी ठीक है। तोता कहानी तोता कहानी को कोई बताओ। ये सैयद भी लगाते हैं, सैयद पे कोई शेर याद है तुम लोगों को? हाँ, सैयद पे कोई शेर याद है? सैयद पे कोई शेर याद है? अब बोलो, जब बोलने कहा जा रहा तो गायब हो गई मुसरत, कहाँ गायब हो गई? नहीं। चलो, इसका नहीं है तो मान लेते। कहानी बात बात करते हैं, ये मीर अम्मन की किताबों के नाम बताइए। सुन रहे हैं सर? सुन रहे हैं। क्या हो गया, दिक्कत हो गई क्या?
मीर अमन की दो ही किताब ना, बागो बहार और गंज खूबी। हाँ, बागो बहार भी दास्तान है और गंजे खूबी भी दास्तान है। चलो सही किया। हाँ, रुखसार कहाँ हो तुम? मीर अहमद खुद को कहाँ से जोड़ते हैं, यानी किस जगह से अपने आप को कहते हैं? दिल्ली से। इसका जवाब क्या होगा? हाँ, सकिया मेरा ठीक है। हम लोग लिखे देख सकते हो, अभी उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो, पढ़ लो। ठीक है। मीर अम्मन, एक तो पहले हम दास्तानों के नाम कर लिए। हाँ, सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना हम लोग। अरे तो स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देंगे ना, काहे परेशान हो? अभी तो जो हाँ चल रहे हैं वहां चलने दो ना। चलो, ये हो गया। हाँ सर। मीर अम्मन ने बागो बहार लिखी और फिर गंजे खूबी लिखी। बागो बहार का समय तसनीफ हमने दे दिया यहाँ पर, 1801 ईस्वी या 1217 हिजरी। इसे बागो बहार इसका नाम पड़ा है। बागो बहार उर्दू में जो नाम होता है वो ये तारीखी नाम है इसका। ये 1217 हिजरी से निकाला गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मीर अम्मन को क्या कहा जाना पसंद है? मीर अम्मन दिल्ली वाला। ठीक है, मीर अम्मन दहलवी या मीर अम्मन दिल्ली वाले के नाम से पुकारा जाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। यस सर। अब चौथा सवाल ये है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ था? कितनी आवाज नहीं आ रही है। सर, 1817 1800 ईस्वी में कायम हुआ था के बीच में घुस गया भाई। क्या? हाँ जी, क्या मकसद था फोर्ट विलियम कॉलेज का, क्यों कायम किया गया था? ये अब आ गए हैं लोग, कौन कौन है? रानी है, शबाना है, मुसर्रत है, रुखसार है। बहुत बढ़िया, कादरी। सर बताए। जी, बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज के क्याम के बुनियादी मकसद अंग्रेजों को हिंदुस्तान के मकामी जुबान से और तहजीब व तमदन से वाकिफ कराना था। सर, अच्छा, तहजीब तमदन कहाँ से जोड़ी? क्या तहजीब तमदन जोड़ने की जरूरत नहीं थी, तहजीब तमदन सिखाना रहता तो बहुत चीज सिखा देता। उसको हुकूमत करनी थी हम पर, तो हुकूमत करने के लिए जुबान आनी चाहिए थी, इसलिए जुबान सिखाना ज्यादा जरूरी था उसको। अंग्रेजों को यहाँ पर हमने लिखी दिया है, अंग्रेजों को उर्दू सिखाना, ये मेन मकसद था, ताकि हिंदुस्तानियों को अच्छी तरह हुकूमत, हिंदुस्तानियों पर अच्छी तरह हुकूमत कर सके। समझे? कौन कर सके? अंग्रेज। ये कोई उर्दू की तरक्की या हमारी तरक्की के लिए वो नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल कौन होता था? आमतौर पे डॉक्टर गलतफहमी जाकिर है कि हाँ,
विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल था जॉन गिलक्रिस्ट, ये न था, लेकिन ये गलत गिलक्रिस्ट। बात है। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल जो होता था चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया होता था। मैं ये डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे ना। अब हम बता रहे हैं तो उसी के नीचे देखो, होश में थोड़ा सा रहो, जब कोई चीज बता रहे तो उसको सुनो। जॉन गिलक्रिस्ट जैसे प्रिंसिपल कौन है तुम्हारे कॉलेज का, प्रिंसिपल कौन है बता? आईजे खलको साहब अभी तुम्हारे प्रिंसिपल थे, और खुर्शीद साहब क्या है? खुर्शीद साहब हैं तुम्हारे सदर शोबाए उर्दू। अब हम बोल रहे कि खुर्शीद साहब ना प्रिंसिपल हैं, मानोगी? नहीं सही सर। बात है। उसी तरह से जॉन गिलक्रिस्ट एक डिपार्टमेंट के हेड थे, उस डिपार्टमेंट का नाम था हिंदुस्तानी जुबानों का शोबा, ठीक है? हिंदुस्तानी जुबानों के शोबे के वो सदर थे, प्रिंसिपल नहीं थे। प्रिंसिपल होता था चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? हिंदुस्तान का जो चीफ प्रीस्ट होता था, पादरी जो हाई लेवल पे होता था, वो प्रिंसिपल होता था, ठीक है? समझ में आई बात? जी सदर सर। जी शोबे, सर। सदर शोबा होना और एक प्रिंसिपल होना, दोनों में फर्क है। तो चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया होता था प्रिंसिपल, और जॉन गिलक्रिस्ट का नाम जो बदनाम है वो हिंदुस्तानी शोबे के सर थे, यानी हिंदुस्तानी जुबानों के, हिंदी उर्दू और जो दीगर जुबान है हिंदुस्तान की जिसमें लिखा जाता था, तो उसके लिए, हिंदुस्तानियों की जुबान के लिए। अच्छा, मीर अमन की, किसने मीर अमन की जमीन जायदाद छीन ली थी? सूरज मिल जाट ने। पर मीर अमन पे अब फोकस हो गया सवाल में। एक सवाल यहाँ पर है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसका एक खतरनाक काम क्या है मालूम है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो चला रहे थे कि फूट डालो और राज करो, उसका सबसे जीता जागता नमूना यही, जो आज तक उसने बीज जो डाला हमने लड़ाई का, उसमें से के हिंदी और उर्दू का झगड़ा पहली मर्तबा किसने शुरू किया? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज का कारनामा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, पहले तो जुबान बोली जाती थी दोनों एक ही, अब हिंदी उर्दू दोनों मिली हुई थी, हालांकि ठीक है दोनों एक ही जुबान से निकली है, लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इसमें रस्मुल खत लिखने का स्टाइल तय करिए कि इसमें कौन सी चीज में लिखेंगे। आप हिंदी को उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू को हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी जो लिखेंगे वो अलग संस्कृत वाले रस्मुल खत में देवनागरी में लिखेंगे, और उर्दू जो लिखेंगे वो उर्दू के तो फॉन्ट चल ही रहा है तो अरबी और ये उर्दू के इमला में लिखेंगे। और उसके बाद बहुत सारे लफ्ज उन्होंने हिंदी का बता दिया, बहुत सारे लफ्ज उर्दू का खास बता दिया, तो इससे जो है टकराव होने लगा कि भाई हिंदी अलग है, उर्दू अलग है, हिंदी हिंदू जो मतलब हिंदू जो होंगे वो हिंदी पढ़ेंगे और मुसलमान जो है वो उर्दू पढ़ेंगे। यहीं से ये सब जो है ना लड़ाई झगड़ा शुरू कराया गया, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रहेगा। कुछ मीर अम्मन के बारे में सवाल आते हैं? मीर अम्मन अपने घर से अपने जिंदगी के हालात में लिखते हैं। अजान हो रही है, हम थोड़ी अपनी आवाज को ऑफ कर रहे हैं, और आप लोग ये सब क्वेश्चन देखिए, उसको क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा। Thank you.
ये समझ में आ गई बात? हाँ सर। जी सर। अमन से पहले ये किसी को पता है? हाँ सर पता है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? सर दास्तान के जायतर की भी बताएं। जी फरमाइए। सर छह हैं। बताइए क्या क्या। पहला तवालत, अब बूढ़ी को पढ़ने बैठा दो। हाँ सर। दूसरा प्लाट, नहीं दर किस्सा सर। किरदार निगारी, किरदार निगारी तो सब में रहता है, खास खास बात करना चाहिए। माफाकुल फितरत अनासिर, धीरे धीरे पढ़ो ना। तो सर मंजर निगारी, ना ना वो सब एक्स्ट्रा है। मंजर निगाह, उसलूब निगारिश, दास्तान का नहीं है, उसलूब अपना अपना होता है, किरदार ले सकते हैं। सर लेकिन हम पढ़े हैं ये सब बुक में। पढ़े हैं तो पासपोर्ट से पढ़े हैं ना? नहीं सर हम बुक में पढ़े हैं। कौन सी बुक, नाम बता तो जरा। सर एनटीए जेआरएफ का बुक में पढ़े हैं। एनटीए जेआरएफ का बुक क्या है? बुक है कि पासपोर्ट टाइप है? एक पेज में दास्तान का लिखा था, बुक का नाम होता है, जैसे नाम होता है जियाउल मुस्तफा मुस्ताल के बुक है सर। अरे कोई का भी है तो एक पेज में, तुम हम जो बता रही हम नहीं जान रहे उस किताब को, वो बुक नहीं है, वो जेआरएफ की तैयारी करने के लिए एक एक पेज में वो लिखा हुआ है सब। एनटीए जेआरएफ हमको बता रही है, बुक की बात करो। बुक का नाम हुआ बागो बहार, बुक का नाम हुआ नाविल क्या है, बुक का नाम हुआ दास्तान का फन, ये बुक का नाम है, इसे बुक इसको कहते हैं। तो खैर ये सब उतना मैटर नहीं करता इसमें, लेकिन यही है मेन उसलूब हम ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा अहम है माफाकुल फितरत अनासे, ठीक है? और इसमें जुबान का, ये असल में होती है जुबानी रिवायत। दास्तान असल में बोलने की चीज है, कहानी सुनाने की चीज है, लिखने की चीज नहीं है। सबसे बड़ी जो दास्तान है उसमें 50,000 पेज है, तो ऐसे ही थोड़ा जो हो गया, बोलते 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 इसको किया गया है, ये लिखने के लिए बाद में लिखा गया, लिखते लिखते फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया, लेकिन ये लिखा जाता बोला जाता था तो ये बोल के सुनाया जाता था, तो इसकी वजह से इसकी तवालत बहुत ज़्यादा होती थी। दूसरी किस्सा था, किस्सा इससे क्या होता है, कहानी में दिलचस्पी बनी रहती है। एक किस्सा है वो ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया, दूसरा शुरू नहीं हुआ कि तीसरा शुरू हो गया, तीसरा शुरू नहीं हुआ कि चौथा शुरू हो गया,
चौथा खत्म हुआ तो फिर तीसरे की तरफ आए, फिर तीसरा किस्सा खत्म हुआ तो फिर दूसरे की तरफ आए, तब जाके फाइनल में एक किस्सा खत्म होता है। एक चीज और छूट रही है मुझे। क्या था क्या था क्या था क्या तो हमको देखना है कि भाई इसमें क्या होता है, और माफाकुल फितरत अनासिर के भाई सुपर नेचुरल थिंग्स जिसको बोलते हैं, या सुपर ह्यूमन आप कह सकते हैं, कि दुनिया में ऐसी चीजें नहीं है जिसका जिसके बारे में बयान किया जाता है। इसको बोलते हैं ख्यालात की उड़ान। तो भाई हम कितना सोच सकते हैं, हम अपने ख्याल को कहाँ तक ले जा सकते हैं, हम अपने दिमाग से क्या क्या बातें बना सकते हैं। तो ये इंसान की सोच की बात है कि भाई क्या वो सोच सकता है, कितना आगे तक सोच सकता है। यही कल हमने बताया था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम, या रब, गालिब का शेर है। हमने नक्शे इमकां को एक दश्ते पा पाया, नहीं सॉरी, हमने दश्ते इमकां को एक नक्शे पा पाया, यानी इम्कान है जो सोच है इंसान की, वो तो एक एक कदम पे तो उसका पूरी कायनात से बाहर निकल जाता है। तो तमन्ना की कोई हद नहीं है। उस अल्लाह से पूछ रहा है कि भाई है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम, यार पहला ही कदम से तो पूरा हम बाहर निकल गए पूरी दुनिया से, या हमारे छोटा हो गया। या शहरियार कहते हैं कि घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमी कुछ कम है। तो इंसान की सोच की क्या हद है, इसको देखने के लिए आपको दास्तान देखनी पड़ेगी। फिर किरदार जो होते हैं, लेकिन किरदार निगारी के अतबार से ये बहुत ज्यादा अहम नहीं है, क्योंकि इसमें जो नेक किरदार होगा वो नेक ही होगा, बद किरदार होगा वो बदी होगा, ना उसमें कुछ तब्दीली आएगी, ना दुख होगा उसको, ना तकलीफ होगी। सब जो अपने काम में लगे रहते हैं, उसको जमाने के हवादिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसलूबी निगारिश मेन है कि भाई जुबान को समझने के लिए, हमारी जुबान ने जो तरक्की की है उससे उसलूब का मेन ताल्लुक है, और इसी की वजह से दास्तानों को पढ़ जाती है। ये दो आखिर का जो है ये मेन है कि इसकी वजह से हम दास्तानों को पढ़ते हैं, कि उसलूब यानी ये हमारी जो जुबान तरक्की की वो कैसे तरक्की की राह में आगे बढ़ी, और दूसरी के कहाँ कहीं का भी किस्सा हो वो अपने आस पास या अपने बादशाहों का या अपने ज़माने के तहजीब का, अपने ज़माने के खान पान का, शादी ब्याह का, उस तरह की अक्कासी करता है जिसको तुम मंजर निगारी कर रही हो। तो ये उस ज़माने की चीज़ें पेश करता है जो उसके ज़माने में हो रही हैं। तो ये एक और एक दो, ये दो चीज़ बहुत अहम है, और तीसरा माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर। ये तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है दास्तान में। ज़ुबानी रिवायत तो हमने बता ही दिया। आज की क्लास के इतना ही, और कोई सवाल है तो बताइए। सर एक बार शुरू से कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो आए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए आज क्लास में तो ये अब तो इसकी जरूरत नहीं है, ये भी खत्म। रुको एक मिनट, हाँ हो जाएगा अब, ले लिया। पूरा ब्लैक आ रहा था, ब्लैक आ रहा है। एक मिनट फिर से हम करते हैं। अब आया, अब आया। जी 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 सर। लगे तुम नफीस तुम लिए हुए होगे इसको पहले ही शायद सर। हाँ ठीक है, ले लो। ये नीचे का है पोर्शन, हो गया। ले लिए,
ले लिए। अच्छा हो गया, आवाज आ रही है? सर। हाँ सर। तो जी बोलोगे नहीं तो हमको लगे कि हमारा कट गया फोन। जी सर। सर आवाज। हाँ पहले अपनी आवाज बंद कर लो फिर मेरी आवाज सुनोगी। पूरा गूंजा के रख दिए। ले ली स्क्रीनशॉट? हाँ सर ले लिए, ले लिए हैं। सर तवालत का जो मतलब है ये तवील से है ना, लंबा से ना? तवील से तवालत है, किस्सा तवील होगा। दास्तान की पहचान सबसे बड़ी है कि भाई उसमें तवील किस्सा होगा, लेकिन तवील तो नावेल में भी होता है। तो फिर अब दूसरा देखेंगे कि किस्सा दर किस्सा उसमें आया, तो किस्सा दर किस्सा आया तो ठीक है, किस्सा दर किस्सा, किस्सा से किस्सा निकलता चला जाएगा। उसके बाद भी सबसे बड़ी पहचान दास्तान की इसमें मा फाकुल फितरत नासिर रहेंगे, ये पहचान है। और हम दास्तान को देखते हैं उसलूब निगारिश के लिए और तहजीब और सकाफत के लिए, कि भाई उस जमाने की तहजीब हमको दिखा देती है उसके लिए। और ये दास्तानें जो है जुबानी रिवायत का हिस्सा है, इसलिए ये तवील होती है। तो ये पहले ज़माने में भाई इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था इंसान के पास, बाहर जो पहरेदारी करते थे लोग या बादशाह होते थे तो उनको कैसे बहलाया जाए दिल? तो एक आदमी को बुलाया जाता था किस्सा कहने के लिए, वो किस्सा कहता था। मान लेते हैं वो बीमार पड़ गया तो दूसरा आदमी भी तो कुछ बना के बोलेगा ना, भाई पुराना किस्सा को कैसे आगे करेगा। इसी तरह बढ़ते चला गया। अलिफ लैला का किस्सा 1,000 रात का है, 1,000 रात में अगर कोई किस्सा कहा है तो वो जब लिखा जाएगा तब तो बहुत ज्यादा तवील हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए तवालत, किस्सा दर किस्सा, माफ़ुक़ुल फ़ित्रत अनासिर, उस्लूब निगारिश और तहजीब ज़काफ़त, ये किसका? जुबानी रिवायत का हिस्सा, इसलिए ये हमने लिख दिया। खत्म हो गया, खत्म, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। आप कोई सवाल?